नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। देश कल 15 अगस्त के मौके पर इस बार अपना 75वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसे लेकर कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त कर दी गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए रेलवे को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल हाल ही के दिनों में बिहार के दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट के बाद रेलवे को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसके साथ ही रेलवे ने कई राज्यों में संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। और जिसके मद्देनजर 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले ही सिलीगुड़ी के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो बता दें, कल स्वतंत्रता दिवस देश मनाएगा 75वां, और इसी को लेकर देश भर में सुरक्षा अलर्ट पर है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग की जा रही है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और सभी जगह पर चेकिंग के बाद ही लोगों को जाने की अनुमति है। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएगा। और बता दें, देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक जश्न आजादी की फिजा होगी। ऐसे में आजादी के जश्न से सिर्फ एक दिन दूर राजधानी दिल्ली की कई सारी इमारतें तिरंगों की लाइटों से सजी हुई नजर आई। ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफेद लाइटें जगमगा रही है और आखिर में हरी लाइटें हैं। वहीं संसद भवन भी बता दे पूरी तरह से तिरंगे में सजा हुआ है और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी देखी जा सकती है। आजादी के तिरंगे के रंग में रंगा हुआ राजधानी दिल्ली का विजय चौक और संसद भवन बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। हालांकि निर्माण कार्य चलने की वजह से यहां लोगों को आने की मनाही है, लेकिन जहां आप नहीं पहुंच सकते, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तिरंगे के रंग में सजा हुआ दिख रहा है। आरबीआई के बारे में कुछ अहम जानकारी की से ध्यान दें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि आजादी के कुछ साल पहले, और 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दिल्ली के दिल में बसने वाला कनॉट प्लेस भी तिरंगों की लाइटों में रोशन दिखा है। ऐसे में सीपी देश की सबसे बड़े बाजारों में शुमार है, जहां हजारों लोग हर रोज घूमने फिरने पहुंचते हैं। हालांकि कोविड नियमों की वजह से और पुलिस की चेकिंग की वजह से फिलहाल लोग कम देखे जा सकते हैं, और साथ ही इन जगमगाती लाइटों पर लोगों की, खासकर बच्चों की नजर पड़ती है तो उनके चेहरे पर एक चमक देखने वाली होती है। तो बता दें, देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हर जगह कई इमारतों को तिरंगे के रंग में सजा दिया गया है, चाहे वो दिल्ली हो, श्रीनगर हो। दिल्ली में कई इमारतें तिरंगे के रंग में सजी हुई नजर आई। सीपी की बात करें तो कनॉट प्लेस में भी इनर सर्कल में कई इमारतें तिरंगे के रंग से सजी हुई नजर आई। साथ ही संसद भवन भी जगमगाया हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बीएमसी के मुख्यालय को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से सजा दिया गया है। शुक्रवार को हेरिटेज बिल्डिंग को केसरिया, सफेद और हरे रंग से जगमगा दिया गया और तिरंगा भी देखा गया। बता दें कि 15 अगस्त को भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और ऐसे में नई दिल्ली में लाल किले पर भी परेड सहित कई कार्यक्रम होंगे। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर यूनेस्को से मान्यता प्राप्त इमारत तिरंगे से जगमगाती है। ऐसे में सीएसटीएम और बीएमसी के अलावा कई अन्य रेलवे स्टेशन की इमारतें को भी तिरंगों से जगमगाया देखा जा सकता है। तो बता दें, दिल्ली से लेकर श्रीनगर और मुंबई तक भी
कई इमारतों को तिरंगों के रंग में जगमगाया हुआ देखा जा सकता है। ये बीएमसी बिल्डिंग और महाराष्ट्र मुंबई में रेलवे स्टेशन को भी तिरंगे के रंग से सजाया गया है, जो नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत ये नजारा है और वहां पे आने जाने वाले लोग भी इसको देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रीनगर पुलिस ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को इसकी बधाई देते हुए शहर में होर्डिंग्स लगवाए हैं। डीएसपी श्रीनगर ईस्ट मोहिउद्दीन का कहना है कि ये होर्डिंग शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं। उनका कहना था कि शहर के प्रमुख सड़कों पर इस तरह के और भी होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। तो बता दें, स्वतंत्रता दिवस को लेकर श्रीनगर बीजवा पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। शहर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और साथ ही लोगों को बधाई दी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को संयुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है और इसके साथ ही यहां पुलिस ने ग्रेनेड और डोनेटर सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को डोडा जिले के टांटा जंगल में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान समूह और अन्य सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने तहसील कहारा के टांटा वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया था और हथियारों का जखीरा जब्त किया है। बता दें, डोडा के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल कयूम ने बताया कि उनकी टीम ने टांटा जंगल में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है और हथियार समेत गोला बारूद बरामद कर लिए हैं। साथ ही डोडा में सेना पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार शाम कहारा में टांटा जंगल में एक तलाशी अभियान भी शुरू किया था। तो बता दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जिलों में जाकर सदी की सबसे भयावह महामारी पर काबू पाने में कामयाबी हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बाढ़ से मोर्चा लेने के लिए निकल पड़े हैं। आपदा के दौरान ग्राउंड जीरो पर टीम लीडर के तौर पर डटे रहकर हालात से पार पाने के संकल्प के तहत वो बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखने और इसकी विभीषा से प्रभावित जनता की मदद के लिए पिछले एक सप्ताह के दौरान बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक का दौरा कर चुके हैं। बता दें, बारिश से गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में आए उफान की वजह से प्रदेश के 2 दर्जन जिले बाढ़ की विभीषा से जूझ रहे हैं और ऐसे में बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के साथ बचाव और राहत कार्यों की निगरानी और आपदा से प्रभावित लोगों को संभल देने के लिए योगी बुंदेलखंड के जालौन और हमीरपुर जिलों के अलावा इटावा और औरैया का भी दौरा कर चुके हैं। तो बता दें, यूपी में इस समय कई सारे जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बोट में वो तैनात हैं और खुद इलाकों का जायजा कर रहे हैं कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है और लोगों को किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है और किस तरह से उनकी मदद की जाए, इसी के लिए तमाम अधिकारियों को वो दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर की मनमानी को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कंपनी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद ही गंभीर और चिंताजनक है। राहुल ने अपना अकाउंट लॉक किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक मुकाबले में ट्विटर का पक्षपाती होना खतरनाक ही नहीं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला भी है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक कंपनी भारत करोड़ों लोगों की आवाज दबाने में सरकार की मदद कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इस तीखे हमले के बाद अकाउंट लॉक करने के मुद्दे पर ट्विटर के साथ कांग्रेस नेताओं की जंग अब तेज हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो बयान जारी कर केंद्र सरकार के दबाव में ट्विटर के ऐसा कदम उठाने की बात कही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे ट्विटर हैंडल पर रोक लगाकर वो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक कंपनी हमारी राजनीतिक को परिभाषित करने का कारोबार कर रही है और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मुझे ये पसंद नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि ट्विटर का ये कदम उन पर नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। ये बात केवल राहुल गांधी को चुप कराने तक सीमित नहीं है। मेरे करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें अपने विचार रखने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये कदम न केवल पूरी तरह से अनुचित है बल्कि ये ट्विटर के एक तटस्थ मंच की अवधारणा भी प्रतिकूल है और इस लिहाज से निवेशकों के लिए भी यह अत्यधिक खतरनाक बात है, क्योंकि राजनीतिक मुकाबले में पक्ष लेने के ट्विटर पर असर पड़ता है। कोरोना के दूसरी लहर के मामले कम होने के बीच तीसरी लहर की भविष्यवाणी भी होने लगी है। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर लोगों द्वारा कोविड-19 के उचित व्यवहार पर निर्भर करती है। दरअसल भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत CISF द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जब लोग कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करेंगे तो तीसरी लहर के मामले कम देखने को मिलेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत में अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 40,000 से ज्यादा मिल रही है और सभी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो देश में कोरोना की एक और लहर को आने से पहले रोका जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा और उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी होगा और अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा और साथ ही दोनों वैक्सीन लगाना तो जरूरी है ही और इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य होगा। अब अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी और वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी ही होनी चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा और साथ ही सरकार की तरफ से सख्ती इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। उद्धव सरकार की तरफ से हर कदम उठाया जा रहा है जिससे दूसरी लहर जैसी तबाही एक बार राज्य में फिर से ना हो और तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। इंडियन बैंक्स की लंबी छुट्टी आज से
शुरू होने जा रही है। बता दें 14 से 16 अगस्त के बीच बैंक लगातार बंद रहेंगे, ऐसा त्योहारों के चलते हो रहा है। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक इस महीने सरकारी छुट्टी के साथ रविवार और शनिवार ज्यादा में पड़ रहे हैं और इससे बैंक के नॉन वर्किंग डे में इजाफा हुआ है। बैंकों में छुट्टी हर राज्य में एक समान नहीं है और साथ ही राज्यों में बता दें त्योहारों के हिसाब से बैंक अलग अलग तारीखों पर बंद रहेंगे। अगस्त में कुल मिलाकर 9 दिन बैंक बंद रहेंगे और इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल है। साथ ही 14 अगस्त से बता दें आज से महीने का दूसरा शनिवार भी शुरू हो गया है, तो इस वजह से भी बैंक आज बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस महीने बैंकों की काफी ज्यादा छुट्टी रहेगी और 9 दिन इस बार बैंकों का पूरी तरह से कामकाज बंद रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचे और साथ ही बता दें वहां पर बाढ़ ग्रसित इलाके का उन्होंने जायजा लिया। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के गहमर इलाके में पहुंचे, साथ ही गहमर इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री भी उन्होंने बांटी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर बातचीत भी की और इसके बाद सीएम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल गए। इस बीच सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी में 24 जनपदों में करीब 600 गांवों में बाढ़ का प्रभाव बना हुआ है। प्रदेश में ये बाढ़ बरसात की वजह से कम नहीं बल्कि राजस्थान के कोटा बांध, एमपी के माता टीला बांध और हरियाणा के हथनी कुंड बांध से अतिरिक्त जल छोड़ने की वजह से ज्यादा है। उन्होंने कहा, मैंने बाढ़ प्रभावित जनपदों का दौरा किया है और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा भी की है। वहीं गाजीपुर में बाढ़ से 32 राजस्व गांव प्रभावित हैं और लगभग 1.5 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई है। मैंने यहां के राहत कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को राहत सामग्री समय पर पर्याप्त मात्रा में दिए जाने की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित भी किया है। उन्होंने कहा कि अब नदी स्थिर है और तटवर्ती इलाकों में कटान हो सकता है, अधिकारी इस पर काम करें और पुलिस विभाग को भी लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मेडिकल की टीम को भी हर गांव में जाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही पशुओं के चारे और इलाज की व्यवस्था के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों और सभी ने कोरोना महामारी में काम किया है, बाढ़ में भी लोग ऐसे ही आगे आकर मदद करेंगे। आज मैं स्वयं यहाँ पर गाजीपुर जनपद में आया हूँ। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी कम और ज्यादा इससे प्रभावित हुई है। मैंने अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अंबेडकर नगर की अकबरपुर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन ने ईओ को बंधक बना लिया। दरअसल बैठक के दौरान चेयरमैन सरिता गुप्ता और ईओ बीना सिंह के बीच जमकर तकरार हो गई थी, जिसके बाद ईओ बीच में ही बैठक छोड़कर निकल गई थी। वहीं बीच में ही बैठक छोड़कर निकली ईओ को चेयरमैन और सभासदों ने उनके ही कमरे में बंधक बना लिया और सभी सभासद और चेयरमैन दरवाजे के सामने ही बैठ गए। वहीं मामले में एसडीएम सदर और सीओ कोतवाल दोनों पक्षों को मनाने में जुटे रहे, पर ना ही चेयरमैन मानने को तैयार हुए और ना ही सभासद। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू ने मायावती पर निशाना साधते हुए उन्हें राजनीति का विलन बता दिया है। डॉक्टर राम बाबू ने कहा कि राजनीति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मायावती को बाबा साहब के नीतियों के विपरीत काम किया है और बाबा साहब ने समता का समाज ममता के नींव पर रखा था, लेकिन मायावती ने सभी जातियों को आपस में लड़ाया है और शोषण किया है। उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने संविधान बनाया ताकि सभी जातियों को न्याय मिल सके और किसी के भी साथ अन्याय ना हो, लेकिन मायावती का आचरण इसके बिल्कुल ही विपरीत है।
देखिए हम जो हमारा आयोग में अध्यक्ष के नाते हमारे उपाध्यक्ष पासवान जी, हमारी सदस्य अनीता जी, हम जो दौरा कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम जनपद में हर एक जनपद में जा रहे हैं, तो इसमें हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की जितनी भी योजनाएँ अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ और सवर्ण गरीब समाज के लिए चल रही हैं, उनका ठीक विकास से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, एक तो इसकी समीक्षा करते हैं अधिकारी साथ बैठते हैं, अधिकारी से पूछते हैं कहाँ कितना हुआ, तो अधिकारियों को एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग, अधिकारी हमारे एक्टिवेट होंगे, सरकार के अनुसार काम करेंगे तो लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी। कहीं गलत कोई मामले आते हैं, उन गलत मामलों को हम डायरेक्शन ये भी देते हैं कि आप उन गलत मामलों में पूरी तरह से तहकीकात करिए और सही मामले का ही आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा उसको मामले को वहीं की समाप्त की, और जो भी गलत है उसके खिलाफ जो भी एक्ट पर रूल नियमों के अनुसार जो भी कार्रवाई उस कार्रवाई सुनिश्चित करिए। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण किया। आपको बता दें कि जिले की पुलिस लाइन में एसपी विजय ढल और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार की अगुवाई में मॉक ड्रिल और पलवा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान कई जगहों से आए पुलिस कर्मियों द्वारा मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया, साथ ही जिसमें एसपी लखीमपुर खीरी द्वारा उपकरणों के संचालन का भी निरीक्षण किया गया है। तो बता दें मॉक ड्रिल किया गया है पुलिस की तरफ से, तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बता दें आपको कि वहां पर पुलिस कर्मियों द्वारा मॉक ड्रिल का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें लखीमपुर खीरी के एसपी द्वारा उपकरणों के संचालन का भी निरीक्षण किया गया है। तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत हो गई है। बता दें सोते वक्त जहरीले कीड़े ने युवक को काट लिया था। मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर मथुरा में एक 20 वर्षीय युवक की जहरीले कीड़े के काटने के बाद अचानक से उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि हसनपुर थाना नौझील हाल निवासी गौरव बी कॉम फाइनल का एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिस वजह से वो अपने बड़े भाई जसपाल के साथ रह रहा था। वहीं सोते वक्त किसी जहरीले कीड़े ने गौरव के पैर पर काट लिया और जब काफी देर हो जाने पर युवक नहीं उठा तो बड़े भाई को उसकी बेहोशी का पता चला, जिसके बाद आनन फानन में मथुरा के जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने युवक को होश में लाने के लिए कई प्रयास किए पर युवक को होश में नहीं आया युवक, और 2 घंटे बाद ही युवक की मौत हो गई। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। सवेरा नया सफर नया है आगाज, एक नई सुबह एक नई शुरुआत। चाय की चुस्कियां गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ। बाय मम्मी, बाय पापा। इससे अच्छी शुरुआत क्या भला हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में, आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। दिन भर के लिए रहिए फुल अपडेट, दिन भर के बड़े डेवलपमेंट्स, दिन भर की पॉजिटिव खबरें। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया पारुल त्यागी के साथ और काजल नारायण के साथ। खिलाड़ी से लेकर मैदान तक
मेरे साथ। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। हमारा सीधा सरोकार, हम नहीं किसी के पैरोकार। हर खबर की तह तक जाएंगे हम, हर खबर का करेंगे पूर्ण विश्लेषण। देखिए चार का चक्रव्यूह मेरे साथ शाम 4 बजे। नया सवेरा, नया सफर, नया है आगाज। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। चाय के चुस्कियां गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ। बाय मम्मी, बाय पापा। इससे अच्छी शुरुआत क्या भला हो सकती है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। दिन भर के लिए रहिए फुल अपडेट, दिन भर के बड़े डेवलपमेंट्स, दिन भर की पॉजिटिव खबरें। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया पारुल त्यागी के साथ और काजल नारायण के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में आज बात कांग्रेस और ट्विटर के बीच चल रहे विवाद की करेंगे। दरअसल कुछ महीने पहले केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है और वो है ट्विटर और कांग्रेस का। हालांकि ये विवाद क्या है और इसमें क्या कुछ हो रहा है, ये बात में आपको बताएंगे। उससे पहले जरा बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी की राजनीतिक जिंदगी में उतार चढ़ाव ही नहीं, कई ऐसे पड़ाव भी आते हैं जिन्हें उनके लिए भूल पाना ही बेहतर होता है। अक्सर ही कुछ वक्त बीतने के बाद राहुल गांधी को एक नए अवतार में देखने को मिलता है और हर बार वो नए एनर्जी और लेवल के साथ खुद को प्रेजेंट करते हैं। कुछ दिन तक तो रफ्तार बनी रहती है, लेकिन फिर रूटीन में आने के बाद बस ट्विटर तक वो सिमट कर रह जाती है। ट्विटर का ताजा एक्शन भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सबक है। दरअसल विपक्षी खेमे के बीच जब से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो चली है। रफ्तार में एक बड़ा रिस्क हमेशा रहता है और वो रिस्क है सावधानी घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी का एक्टिव मोड इतना एक्टिव हो गया है कि उन्होंने ट्विटर से ऐसा पंगा लिया कि अब वो थमने का नाम नहीं ले रही है। संसद से सड़क के रास्ते तक जनता